दुर्ग नगर निगम द्वारा चलाए जा रहे महा टीकाकरण अभियान का जायजा लेने निगम आयुक्त के साथ पहुंचे दुर्ग संभाग आयुक्त। वैक्सीनेशन लगा रहे लोगों का उत्साह उन्होंने बढ़ाया। दुर्ग नगर निगम द्वारा मंगलवार से शुरू किए गए दो दिवसीय टीकाकरण महाअभियान के पहले दिन टीकाकरण केंद्रों का जायजा लेने नवनियुक्त संभागायुक्त महादेव कावरे पहुंचे, जहां उन्होंने टीकाकरण केंद्रों की व्यवस्था को देखते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए और साथ ही टीकाकरण करा रहे लोगों की हौसला अफजाई की। इस मौके पर निगम आयुक्त हरीश मंडावी भी मौके पर मौजूद रहे, जिन्होंने दुर्ग निगम क्षेत्र में चल रहे टीकाकरण महाअभियान की संभाग आयुक्त को जानकारियां दी। उन्होंने कहा कि महाअभियान के पहले दिन दुर्ग निगम क्षेत्र के 60 वार्डों में 120 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस अभियान को सफल बनाने निगम व स्वास्थ्य विभाग के कुल 300 कर्मचारी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण करने के दौरान संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने शहर की जनता से टीकाकरण अवश्य कराने की अपील की। उन्होंने कहा कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बीच टीकाकरण कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने कोरोना से बचाव के लिए प्रथम व द्वितीय डोज लगवा ली है, वे अपने आसपास के लोगों को भी टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित करें, ताकि जिले में 100% टीकाकरण के लक्ष्य को प्राप्त कर कोरोना की तीसरी लहर से बचा जा सके। इस संबंध में न्यूज टीम को निगम आयुक्त हरीश मंडावी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। टीकाकरण की पहल पर हमारे दुर्ग नगर निगम में 120 सेंटरों में सभी वार्डों के में दो दो सेंटर लगे हुए हैं। इसका टोटल 20 सेंटर में हम वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं। मेरे से हमारी टीम वहाँ गई हुई है और लगातार जो सेकेंड डोज से छुटे हुए जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन कर रहे हैं। इसमें जो 60+ वाले भी जो हैं उनका लगाना चाहते हैं सेकेंड डोज, उनका भी किया जा रहा है। सेकेंड डोज लगाने का एक ही क्राइटेरिया है कि उनको मतलब इसमें थर्ड डोज लगा रहे हैं। थर्ड डोज के लिए एक ही क्राइटेरिया यही है कि 9 महीने इनको सेकेंड डोज को होना चाहिए। तो ऐसा करके पूरे हम अभियान में अभी हम टारगेट रखे हुए हैं, लगभग 15,000 वैक्सीनेशन का आज हमने टारगेट रखा हुआ है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि 2 दिन हमारा 18 और 19 2 दिन ये महाअभियान जो चलेगा, उसमें लोगों से अपील भी यही है कि उनके जो सेंटर जो भी बनाए हुए हैं, जिस भी वार्ड में बनाए हुए हैं, अधिक से अधिक संख्या में वहाँ वैक्सीन लगाने के लिए आएँ। और जो कि कोरोना का जो तीसरा लहर जिस प्रकार से दिख रहा है, उसे बचाव का एक यही तरीका है और इसे वैक्सीन लगाकर आप बिल्कुल बच सकते हैं। ठीक। क्रेन एशिया न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।